हैदराबाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक दिवसीय हैदराबाद दौरे पर इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ICRICISAT संस्थान में प्लांट प्रोटेक्शन एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट सुविधा पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी भी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा 11वीं शताब्दी के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाई गई है, जिन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्नाजीयर स्वामी ने की है। कार्यक्रम के दौरान संत के जीवन यात्रा और शिक्षाओं पर एक 3D प्रस्तुति भी दिखाई जाएगी। वैष्णव संत रामानुजाचार्य का जन्म साल 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। रामानुजाचार्य ने वेदांत दर्शन पर अपने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनकी शिष्य परंपरा में गुरु रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर थे। रामानुजाचार्य स्वामी ने सबसे पहले समानता का संदेश दिया था और उसके लिए पूरे देश में उन्होंने भ्रमण भी किया। समाज में कैस्ट, क्रीड, रेस, कलर, स्पेशली रिलीजन, इन नामों से बहुत सारे मजबूत दीवार बना के लोग अहंकार ग्रस्त बनते जा रहे हैं। इसको कैसा खत्म करें? तब ये खत्म होता है जब हम सोचेंगे कि ये मेरा नहीं है, तो उनको खत्म करो, ये मेरा है, उनके लिए जान दो, ये होता है। महान संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति पंचलोह से बनी है, जो 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है और दुनिया में बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जहां संत रामानुजाचार्य की मूर्ति कमल के नीचे 36 हाथियों के साथ 54 कमल की पंखुड़ियों पर टिकी हुई है। खास बात यह है कि यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। 1000 साल पहले भारत और विश्व को समानता की राह दिखाने वाले महान संत रामानुजाचार्य को समर्पित ये प्रतिमा समता का प्रतीक बनकर हमारे सामने है। ये प्रतिमा न केवल संत रामानुजाचार्य के महान कार्यों और उनसे जुड़ी यादों को जीवंत करती है, अपितु उनके जीवन दर्शन की अविश्वसनीय कहानी को दुनिया के सामने लाती है। यह मूर्ति समर्पित है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य को, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद और वैष्णव धर्म के जरिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत की एकता को और मजबूत किया और जिसकी परिणति भक्ति आंदोलन के रूप में होती है। साथ ही साथ ये मूर्ति प्रतिमूर्ति है कि कैसे सनातन मूल्यों को आत्मसात करते हुए भारत शीर्ष की ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD News, श्रीरामनगर, हैदराबाद। तो इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़े। ओपी, मैं सबसे पहले आपसे यह समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का एक दिवसीय जो कार्यक्रम है, कितना महत्वपूर्ण होगा, और खास तौर से जब हम अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, जहां नई नई एग्रीकल्चर चीजों की शोध होती रहती है, कितना महत्वपूर्ण होगा? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी एक दिवसीय हैदराबाद यात्रा के दौरान ACRISAT यानी अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे। ये संस्थान अपनी गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है और इसी का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी आज करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की यात्रा इस संस्थान के लिए न केवल गौरव की बात है, बल्कि कृषि से जुड़े शोध और अनुसंधान के मामले में वैश्विक जगत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन भी है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आज यहाँ आ रहे हैं तो कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री यहाँ पर प्लांट प्रोटेक्शन रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन अनुसंधान एक सुविधा है, उसका भी विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसका जो गोल्डन जुबली ईयर मनाया जा रहा है, उसका एक विशेष लोगो डिजाइन किया गया है, इसी लोगो का प्रधानमंत्री के हाथों विमोचन होना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस दिन को खास बनाने के लिए एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये इस तरह के कार्यक्रम जहां आज के दिन होने हैं, वहीं इसके अलावा इस अनुसंधान संस्थान द्वारा अपने 50 साल के गौरवशाली इतिहास के दौरान
तकरीबन 1135 विभिन्न तरह की किस्में निकाली गई है जो दुनिया भर के 81 देशों में आज उगाई जा रही है। तो इन सभी किस्मों का मुख्य रूप से एक डिस्प्ले प्रेजेंटेशन भी होगा जिसमें कई स्टॉल्स लगे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री इन स्टॉल्स की विजिट करेंगे और उनका अवलोकन करेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से भारत में बुंदेलखंड इलाके में जहाँ सूखा उसको जल प्रबंधन कैसे किया जाए, खेती में नवाचार कैसे किया जाए, इसको लेकर डिस्प्ले वहाँ दिखाई देगा। तो दूसरा जो मोटे अनाज है उसका भी एक डिस्प्ले होगा। ऐसे बहुत सारे डिस्प्ले संतोष वहाँ दिखाए जाएंगे। बिल्कुल ओपी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दूसरे संवाददाता जो है अश्विनी मिश्र भी जुड़ गए। अश्विनी जी, अगर हम रामानुजाचार्य के विचारों की बात करें, जो उनके विचार धर्म को लेकर थे, पंथ को लेकर थे, क्या आपको लगता है जो ये मूर्ति स्थापित होगी आने वाले दिनों में उनके विचारों को और बढ़ावा मिलेगा, लोगों तक उनके विचार पहुंचेंगे, उनको समझने का मौका मिलेगा? जी निश्चित तौर से संतोष, आचार्य रामानुजाचार्य जो कि विशिष्टाद्वैत के संस्थापक रहे, प्रवर्तक रहे, उनकी 216 फीट की मूर्ति का आज अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होगा। मैं खुद वो मूर्ति दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये विहंगम वास्तुशिल्प का जबरदस्त नमूना है, ये मंदिर निर्माण का शानदार नमूना है और साथ ही साथ ये एक आध्यात्मिक चेतना केंद्र के रूप में भविष्य में स्थापित होगा। उत्तर और दक्षिण को मिलाने का कार्य आचार्य रामानुजाचार्य ने की, शैव और वैष्णव परंपरा भी आगे चल के जाके मिली। सनातन संस्कृति के जो मूल सिद्धांत थे, चाहे ममत्व का सिद्धांत हो चाहे समत्व का सिद्धांत हो, उन सबको जो है आचार्य रामानुजाचार्य ने जोड़ा। लेकिन उसके बाद जो सनातन संस्कृति में संभाव था, एक ऐसा भी दौर था जब अछूतों को कथित रूप से, जो निम्न जात के लोग कहे जाते थे और अस्पृश्य लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होनी थी, पहली बार ऐसे रामानुजाचार्य जी ऐसे समाज सुधारक और संत रहे जिन्होंने कथित निम्नवर्णीय लोगों को और अस्पृश्यों को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। यानी कि ममभाव और समभाव की जो परंपरा रही, जो सनातन संस्कृति का जो मूल केंद्र बिंदु रहा, उसके संस्थापक प्रवर्तक आचार्य रहे रामानुजाचार्य, और उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप ही ये मूर्ति है, विराट व्यक्तित्व के अनुरूप ही ये पूरा का पूरा निर्माण किया गया है। और इस पूरे क्षेत्र में, परिसर में देखें तो ये 216 फीट ऊंची मूर्ति है, उसके नीचे 108 जो दिव्य देशम है उनकी स्थापना की गई है। वो 108 दिव्य देशम वो है जो कि भगवान विष्णु के अलग अलग जगहों पर उनके जो चिन्ह मिले हैं, जहाँ पर उनकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है, वो वेंकटेश्वर, तिरुमाला वेंकटेश्वर से लेकर अयोध्या तक के सभी मंदिरों का जो प्रतिलिपि है उसको यहाँ पर 108 दिव्य देशम के रूप में किया गया है। ये 45 एकड़ में ये पूरा का पूरा निर्माण किया गया है और पूरा का पूरा ये परिसर लगभग 200 एकड़ का है। बगल में ही यहाँ पर महाविष्णु यज्ञ भी चल रहा है जो कि सभी तरीके के भौतिक, दैहिक, दैविक जो ताप है, और यहाँ के जो स्वामी चिन्ना जी और स्वामी ने ये कहा कि जो इस समय के कोरोना की स्थिति है, जो चुनौती है, उससे भी निपटने के लिए, समग्र कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए यहाँ यज्ञ का भी अनुष्ठान किया जा रहा है। तो इस मूर्ति का अनावरण होगा और यज्ञ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वो उसमें सम्मिलित होंगे, आहुति देंगे। तो आज बेहद विशिष्ट दिन है समूची सनातन संस्कृति के लिए, खासकर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण भारत की इस वैष्णव परंपरा के लिए। अश्विनी, जब हम समानता के विचारों की बात करते हैं तो आपको लगता है कि आज के युवा पीढ़ी को और समझने की जरूरत है कि कैसे समानता के विचार को और आगे बढ़ाया जा सकता है, वो चाहे तकनीक के माध्यम से या फिर स्टेचू ऑफ ओपी? मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब हम फसलों की बात करते हैं, खासतौर से हम कृषि अनुसंधान की बात करते हैं, तो आपको लगता है वो 2023 को मिलेट ईयर भी घोषित किया गया, यानी कि मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, आपको लगता है शोध की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है खासतौर से एग्रीकल्चर में? जी संतोष, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भारत सरकार ने भी जो आम बजट 2022-23 पेश किया उसमें मोटे अनाज, जिनको अब भारत सरकार ने पोषक अनाज के रूप में, न्यूट्री सीरियल्स के रूप में रेखांकित किया है। तो ये जो अनाज है वो भारत में अधिकांश राज्यों में उगाए जाते हैं और जो ग्रामीण आबादी है उनकी आर्थिक तरक्की का महत्वपूर्ण आधार यही होता है और इनमें पोषकता के काफी सारे गुण होते हैं। तो भारत सरकार ने न केवल इनको बढ़ावा देने का काम किया, जबकि जो एप्रिसिएट संस्था ने, इस पर भी बीते 50 साल में इन पर शोध हो रहा है और जो ज्वार, बाजरा, रागी जैसी जो फसलें हैं उनके अनुसंधान और तमाम तरह के नवाचार यहाँ किए जा रहे। तो आज प्रधानमंत्री जी आएंगे तो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और जो मोटे अनाज जिनको पोषक अनाज कहते हैं उनके बारे में उनका महत्वपूर्ण उद्बोधन होगा और वैज्ञानिक उनको सुनेंगे और प्रेरित होंगे और भविष्य में शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए नवाचार करने की ओर अग्रसर होंगे। तो निश्चित तौर पर यह जो शोध अनुसंधान कार्य से जुड़ा जो मोटे अनाजों का कार्य है, इस संस्थान को न केवल प्रेरित करेगा बल्कि प्रधानमंत्री की गौरवमयी उपस्थिति के दौरान वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण काम भी करेगा। ओपी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी बारीकी से समझते हैं, जो कम पानी वाली फसलें, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की उपलब्धता अभी नहीं है, तो क्या ऐसे अनाजों का भी शोध करने की जरूरत, ऐसे बीज का शोध करने की जरूरत है जो कम पानी में उत्पादित हो सके?
जी संतोष, जब प्रधानमंत्री आज यहाँ जो वैश्विक जगत के आए हुए वैज्ञानिक समुदाय उनको जब संबोधित करेंगे, उसके बाद जो एक स्टॉल है उसका भी अवलोकन करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ एक्रिसियर द्वारा एक ऐसा डिस्प्ले भी सामने आएगा जहाँ बुंदेलखंड जैसे जो इलाके हैं सूखे प्रदेश, जहाँ पानी की बहुत कम आयत रहती है, तो कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, ऐसी फसलें कैसे उगाई जाए जिनसे पोषकता भी बरकरार रहे, उत्पादन का मानक भी बढ़ा रहे और उसका मूल्य भी बाजार में अच्छा मिले, तो इस तरह की फसलों की आज न केवल जरूरत है बल्कि एक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए महत्वपूर्ण विषय भी है। इसको पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही, क्योंकि भारत इन चीजों में नवाचार और अग्रसित राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन होगा उसको न केवल भारत के वैज्ञानिक बल्कि वैश्विक जगत के वैज्ञानिक न केवल पूरी तरह सुनेंगे बल्कि आत्मसात करते हुए भविष्य में जो मोटे अनाज है या कम पानी की फसलें और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां उनसे निपटने के लिए प्रेरित होंगे। तो जो आपने सवाल किया, इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मसला आज के संदर्भ में प्रधानमंत्री के उद्बोधन से रेखांकित होगा, क्योंकि वो बार बार कहते रहते कि हमें 2047 में जब देश आजादी का जश्न मनाएगा उस दौरान वैज्ञानिक किस तरह काम करें, किस तरह खेती की चुनौतियों से निपटें और बदलती जलवायु परिवर्तन के अनुसार ऐसी किस्में ईजाद करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल एक महत्वपूर्ण काम करें बल्कि फसल उत्पादन के साथ साथ पोषक तत्व युक्त खाद्यान्न दें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो फसल अनुसंधान संस्थान है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, खासतौर से मोटे अनाज और पोषक तत्वों को बढ़ावा देने वाले फसलों को आगे बढ़ाने में। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी यादव, आपने इस विषय में शामिल हो और सारी जानकारी दी। और बढ़ते हैं दूसरी खबर को, लेकिन सबसे